जो राजनीति करेगा, जज का बेटा अगर जज होता है तो कोई हो हल्ला नहीं करता है, और राजनीति करने वाला व्यक्ति का परिवार अगर राजनीति करता है, समाज सेवा में लगा है, वो अगर MLA MP बनता है, उसको परिवार बात कहते हैं, तो अपने बेटा को क्यों नहीं रोकते हैं? पोस्टर लगवाता है, बड़का बड़का लगवाता है। महागठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन देश को बनाना चाहता है, और इस बार इनका सफाया है, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। जो देखते हैं दिया में जब तेल समाप्त होने लगता है तो लौ उसका भग 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 करता है, उसी तरह ये जाने वाला है BJP। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। राजद के कद्दावर नेता हैं भाई वीरेंद्र, आज पहुंचे हैं जम्मू। जम्मू में आके कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और भी यहाँ पर कुछ मीटिंग है, उस मीटिंग को भी अटेंड करने वाले हैं। बिहार की राजनीति जो है वो गर्म है, अभी संसद सत्र में भी बिहार के जो नेता हैं वो BJP पर हमलावर हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज इनसे बातचीत करेंगे। संसद सत्र चल रहा है, आपके पार्टी में पहले नेता थे रामकृपाल यादव, वो उन्होंने कल संसद में कहा है कि जो राजद पार्टी है या फिर जो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवारवादी लोग हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे इस पर? इनको इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो राजनीति करेगा, जज का बेटा अगर जज होता है तो कोई हो हल्ला नहीं करता है, और राजनीति करने वाला व्यक्ति का परिवार अगर राजनीति करता है, समाज सेवा में लगा है, वो अगर MLA MP बनता है, उसको परिवार बात कहते हैं, तो अपने बेटा को क्यों नहीं रोकते हैं? पोस्टर लगवाता है, बड़का बड़का लगवाता है। अब रामकृपाल जी से मैं कहूँगा कि अपने बेटों की क्यों नहीं रोक रहे हैं? कौन वो सामाजिक कार्यक्रम में जुटा हुआ है? वो केवल सिर्फ आपके नाम से राजनीति कर रहा है, और उनको बोलने का कोई अधिकार इस सब बनते नहीं। मणिपुर को लेकर भी संसद में तकरार जो है वो जारी है, राहुल गांधी जो है हमलावर हैं, लेकिन जो पार्टी जो अभी भाजपा पार्टी है जो सरकार में है, उनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टी है वो बात ही करना नहीं चाहते, इस मुद्दे पर बहस ही नहीं करना चाहते। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है BJP का मतलब बड़का झूठा पार्टी और जुमलेबाज पार्टी, और देश में जो घटनाएँ घट रही है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, ये जहाँ हरियाणा में आज तक कभी हिंसक घटनाएं नहीं घटी है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, लेकिन जब से BJP का शासन आया है तब से इस तरह की घटनाएं घट रही है, पता नहीं किस कारण से हो रही है। इसलिए ये दोनों तरह की, ये मणिपुर में शर्मसार करने वाले, देश और दुनिया में हम लोग का, भारत का नाम नीचे गिरा है, और वहाँ जिस तरह की घटनाएं घट रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। अब अमित शाह के बातों को अगर ध्यान दें तो अमित शाह ने भी संसद में बोला है कि जो जिन्होंने जिनकी पार्टी का जन्म ही हुआ है राजद का विरोध करके, चारा घोटाले में लालू यादव के ऊपर भी कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं जदयू के ही लोग हैं, उसके बावजूद इतना अपनी जो राजनीति जहाँ से शुरुआत की उन्होंने, और अब उन्हीं के गोद में आकर बैठ गए। ये सवाल है, आप गृह मंत्री हैं देश के, और वो क्या थे पहले? तरी पार। जिस देश का तरी पार आदमी गृह मंत्री बनता हो तो उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये लोग देश को बेचना चाह रहे हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, देश में धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, ये विकास नहीं चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के खानदान लोग हैं, और अंग्रेजों के जो दलाल लोग थे वही लोग बचे हुए हैं जो भारत को बेचना चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन देश को बनाना चाहता है, और इस बार इनका सफाया है, इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। जो देखते हैं दिया में जब तेल समाप्त होने लगता है तो लौ उसका भग 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 करता है, उसी तरह ये जाने वाला है BJP, इसलिए इस तरह की बातें करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग में, जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में इस बार पकड़े गए हैं, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी, इनको सत्ता मुक्त होना पड़ेगा। और हमारा इंडिया गठबंधन का नारा है, देश का नारा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। इंडिया गठबंधन के बारे में तो कह रहे हैं कि ये घमंडी है, अब कुछ भी कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग को कोई ये नहीं है, काम नहीं करना है,
और अपने वादे पर खरा नहीं उतरना है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उनके पास घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं और लोग गड़बड़ा गए हैं। हमको लगता है कि मानसिक रूप से भी असंतुलन ये लोग खो दिया है। देश के मानसिक आरोग्यशाला में इन लोगों को भर्ती कराना चाहिए। अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे? अब निश्चित रूप से राजनीति जो करता है, अभी तो हमारी सरकार है महागठबंधन की, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और ऊपर उच्च स्तरीय ये बात है। मुख्यमंत्री हर व्यक्ति बनना चाहता है और बनने के लिए लाइन में लगा कोई भी आदमी, तेजस्वी यादव उस लायक हैं। आने वाले समय में जब महागठबंधन के सारे लोग बैठेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाई वीरेंद्र, इन्होंने जम्मू आकर इन्होंने सीधा बीजेपी पर हमलावर हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये जुमलों की पार्टी है, सबसे बड़का झूठा पार्टी है। तो क्या कुछ कहा सुना आपने, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।